एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि इस तरह के जो भी आपके इंडेक्स हों, सूचकांक हों, कोई भी जो भी संस्था निकालती है उसमें भारत की स्थिति क्या है, टॉप पर कौन है और नीचे से टॉप कौन कर रहा है, ये सभी पॉइंट उसके बारे में याद रखा करिएगा। क्योंकि इनसे आप देखते होंगे कि आपके सिविल सर्विस हो या स्टेट पीसीएस, इनके प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कई बार, और आपका वनडे एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं। और याद रखिए, अगर आप कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वहां भी इनका आप लोग उपयोग कर सकते हैं। ठीक, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 यानी कि 2021 जारी किया गया है। तो इसमें भारत की स्थिति क्या है और हमारे पड़ोसियों की स्थिति क्या है और कौन जारी करता है और इसमें क्या कहा गया है, इस सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। हाल ही में जारी किए गए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 यानी कि 2021 में दुनिया के सबसे दमदार पासपोर्ट की सूची में भारतीय पासपोर्ट 3 स्थान खिसककर 85वें स्थान पर पहुंच गया है। आप समझ रहे हैं, देखिए मान लीजिए आपने 100 बच्चे आपकी क्लास में हैं, ठीक है, क्या है 100 बच्चे आपकी क्लास में पढ़ते हैं, उनमें से आप कहें कि आपका 85वां नंबर आया हुआ है, तो आप क्या कह सकते हैं, आपकी स्थिति सही है या गलत है या खराब है आपकी स्थिति? तो आप कहेंगे कि खराब स्थिति है, यानी कि आप लोग 85वें स्थान पर हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि नीचे से लगभग हम लोग टॉप कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग, तो ये मत कहिए कि भारत की स्थिति इसमें कुछ खास है, तो 85वें नंबर याद रखना है। ठीक है, याद रहे कि पिछले 16 वर्षों से हेनले हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा प्रतिवर्ष हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है, और याद रखिए हर साल ये जारी किया जाता है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आंकड़ों के आधार पर प्रतिवर्ष हेनले हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है। याद रखिए कौन जारी करता है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आंकड़ों के आधार पर प्रतिवर्ष हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा इसे जारी किया जाता है। इस पासपोर्ट इंडेक्स में देशों की रैंकिंग का निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि पासपोर्ट धारक को बिना वीजा के कितने देशों में प्रवेश मिल सकता है। आप समझ सकते हैं कि इसमें सीधा सा इस ओर इंगित करता है, इस ओर एक तरह से दिशा बताता है कि आपके पासपोर्ट में कितना दम है कि आप बिना वीजा के क्या कर सकते हैं, उस देश की यात्रा कर सकते हैं। आप देखते हैं कि पासपोर्ट आपका बन गया है, ठीक है, सब कोई बनवा लेता है, तो आप देखेंगे कि उस पासपोर्ट के बिना ही, पासपोर्ट के आधार पर ही आप जापान जा सकते हैं या फिर सिंगापुर, कहीं भी इस तरह की बात करिए, या फिर आप लोगों को वीजा लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वैश्विक नागरिकों के लिए एक अमूल्य संसाधन है और इस क्षेत्र में सरकार की नीतियों के लिए मानक संदर्भ प्रदान करता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि देश की स्थिति के बारे में भी बताता है कि कौन देश कितना शक्तिशाली है। आप समझ सकते हैं कि आज सोचिए हमारे देश में अगर किसी को आना है तो हम तो कहेंगे कि आ जाइए आप लोग, अगर किसी अमेरिका से किसी को आना है तो आराम से कह देंगे कि आइए आप लोग घूमिए हमारे यहाँ। ठीक है, और आप जानते हैं कि हम लोग अमेरिका अगर हमें जाना है तो वहां हमें पासपोर्ट तो हमारा यहाँ बन जाता है, वीजा लेना पड़ता है वहां रहने के लिए, एक तरह से घूमने के लिए, समझ रहे हैं आप। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, इस वर्ष के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में ज्यादातर शीर्ष देश यूरोपीय, हालांकि शीर्ष 3 स्थान पर एशियाई देश हैं। ये 3 कौन से हैं, जापान, जापान के पासपोर्ट के साथ 191 देशों के बिना वीजा की यात्रा की जा सकती है। अब समझ में आया आपको कि जापान ऐसा देश है कि यहाँ के लोग क्या कर सकते हैं, 191 देशों की यात्रा कर सकते हैं बिना वीजा की, ठीक है, पासपोर्ट, केवल पासपोर्ट के आधार पर, समझ रहे हैं आप लोग। फिर सिंगापुर की बात करें तो पासपोर्ट के आधार पर 190 देशों की यात्रा कर सकते हैं, और कोरिया और जर्मनी की बात करें तो 189। तो पहले नंबर पर आपका जापान है, दूसरे नंबर पर सिंगापुर है। एक बार मैप्स में आपको बता देता हूं कि जापान कहाँ है और सिंगापुर कहाँ है। देखिए आप लोग देखते हैं कि यहाँ आपका जापान देखने को मिलेगा, कहाँ है, यह है जापान, ठीक है, नगोया, ओसाका, इनके बारे में इनके शहर हैं, ठीक है, ये आपका जापान सागर है। और यहां से अगर भारत की स्थिति की बात करें तो ये देखने को मिलेगा आपका भारतपुर। सिंगापुर की बात करें तो ये सिंगापुर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और कोरिया और जर्मनी ये 189 देशों की यात्रा पर जा सकते हैं। ठीक है, इस रैंकिंग में अफगानिस्तान अंतिम 110वें स्थान पर है। आप समझिए कि अफगानिस्तान नीचे से टॉप कर रहा है, जापान ऊपर से टॉप कर रहा है और अफगानिस्तान नीचे से टॉप कर रहा है।
अफगानिस्तान के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये है हमारा प्यारा भारत और ये है आपका अफगानिस्तान। हमारी सीमा भी अफगानिस्तान से लगती है, ठीक है, यहाँ आपको दिखाई देगा, देखिए इसलिए बोल, देखिए ठीक है, यहाँ थोड़ी सी सीमा आपकी लगती है अफगानिस्तान से, ये अफगानिस्तान। और अभी जो पीओके वाला हिस्सा एक तरह से पाकिस्तान के कब्जे में है ना, उसी की बात कर रहा हूँ। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग में 3 पायदान की गिरावट हुई है। पिछले वर्ष के स्थान पर इस रैंकिंग में 82 वर्ष था, इस वर्ष कितना वर्ष 85वें स्थान पर पहुंच गए हैं। तो आप समझिए पिछले साल ये 82वें स्थान पर था, इस साल कितने, इस साल आपका 85वें स्थान पर पहुंच चुका है, ठीक है, याद रखना है आपको। भारत के साथ तजाकिस्तान भी आपका 84वें स्थान पर है और चीन के अतिरिक्त सभी पड़ोसी देशों के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर है। इस रैंकिंग में आपका चीन 70वें स्थान पर, भूटान 90वें स्थान पर, और श्रीलंका 100वें स्थान पर, बांग्लादेश 101वें स्थान पर, नेपाल 104वें स्थान पर, पाकिस्तान 107वें स्थान पर है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारत की स्थिति इन सभी देशों में एक तरह से हमारे पड़ोसियों से काफी अच्छी है। चीन ए है आपका, पाकिस्तान ए, अफगानिस्तान ए, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश ए, म्यांमार है, नीचे आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, ये आपके सबके क्या है, पड़ोसी है हमारे। भारतीय पासपोर्ट धारक भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मकाऊ, मालदीप, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, केन्या, मॉरिशस, सेशल्स, जिम्बाब्वे और युगांडा, ईरान, कतर सहित 58 देशों में बिना वीजा की यात्रा कर सकते हैं। केवल पासपोर्ट के आधार पर, वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कितने, 58। और आप समझ सकते हैं कि जापान कितना, 191। तो आपको यहीं से स्थिति मालूम चल जाती है कि भारत और एक तरह से जापान के बीच कितना अंतर है, ठीक है। इसके बारे में कुछ और पॉइंट है आपकी, यह सूचकांक हेनले ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट का एक हिस्सा है जिसे इंटरनेशनल सर्वे कंपनी हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है, पहले भी बात कर चुके हैं। यह सूचकांक दुनिया के सभी पासपोर्टों की क्रमबद्ध रैंकिंग करता है और यह बताता है किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीजा की यात्रा कर सकता है, यानी कि वीजा की जरूरत के बिना। यह रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा जारी किए जाने वाले डेटा के आधार पर तैयार किया जाता है। तो ये आपका हेनले पासपोर्ट सूचकांक इंडेक्स, और इस तरह के जो भी आपके सूचकांक हो उन्हें जरूर याद रखिए आप लोग, और याद रखिए महत्वपूर्ण संगठन जो भी है आपके उनके बारे में भी कुछ जानकारी याद रखा करिएगा। वैसे तो आपके महत्वपूर्ण जो भी राष्ट्रीय फिर चाहे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो उन सबको हम लोग कवर कर चुके हैं, तो महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई छूटा हो तो बताइएगा, उसे भी हम लोग कवर करवा देंगे।